मुंगेर की जनता अनिता कुमारी के साथ यहाँ की बेटी के साथ है। भैया अभी आपने देखा नहीं, इतनी कड़ी धूप में लोग खड़े थे, बाहर में खड़े थे और वहाँ गाछ के नीचे खड़े थे, तो ये जनसैलाब ही तो बता रहा है कि इनके साथ हैं। सर हर जाति के बात करते हैं आप, आते भूमिहार, क्या आपके समाज के लोग इनके साथ हैं? जो भूमिहार समाज में जो गरीब होगा वो निश्चित रूप से साथ है। साथ है बिल्कुल। क्या नाम हुआ सर आपका? डॉक्टर अजय कुमार सिंह, MLA जमालपुर। सर क्या माहौल रहेगा इस बार? देखिए तेजस्वी जी अभी आए और बोल के गए कि इस बार रोजगार को चुनो, नौकरी को चुनो, शिक्षा को चुनो, स्वास्थ्य को चुनो, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? यही तो देश का दर्द है जी, कि लोग शिक्षित रहेंगे, रोजगार मिलेगा, किसान सुखी रहेगा जी। और जो भी हमारे संस्थान हैं वो जिसको हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं वो पब्लिक के कंट्रोल में रहेगा, वो पूंजीपतियों के हाथ में नहीं जाएगा। तो ये तो मुद्दा है देश का, और इस मुद्दे को ही तेजस्वी जी ने कहा, इस मुद्दे को जो सो राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी जी कह रहे हैं, उन्होंने न्याय यात्रा निकाली, और हमारा जो मैनिफेस्टो है देश का और जो हमारे एलाइज पार्टनर हैं सबके मैनिफेस्टो एक हैं। और अभी तेजस्वी जी ने कहा कि 1 लाख रुपया उस गरीब परिवार को मिलेगा जिसकी चर्चा आदरणीय राहुल गांधी जी ने मैनिफेस्टो में किया है, 8,500 रुपया महिलाओं को मिलेगा जो गरीब हैं। इस तरह से किसानों में के लिए जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है, स्वामीनाथन रिपोर्ट का मतलब अगर आप समझते हो तो जो उत्पादन में खर्च होता है और इसके साथ जो किसान रोज़ अपने खेत पर जाता है, खेत पर जाने में एक दिन की जो उसकी मजदूरी होती है उसको जोड़ कर न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है सरकार तय करेगी। सर जबकि 2014 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि मैं किसानों के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट पूर्णतः लागू कर दूंगा, जो कि बाद में सरकार बनने के बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि स्वामीनाथन कमेटी का तीसरा भाग जो है, जो किसान रोज़ अपने खेत पर आता जाता है उसकी जो मजदूरी बनती है उसको हम नहीं जोड़ेंगे। लेकिन हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने, सोनिया जी ने यह तय किया है कि किसान का के लिए वह स्वामीनाथन कमेटी का तीसरा भाग जो है उसको भी हम शामिल करेंगे। तो आज भी भारत के लोग 70% लोग गांव में रहते हैं और गांव में रहने वाला कृषि पर आधारित होता है, वो कोई जो है बड़ा व्यवसाय नहीं करता है। फिर हमारे नेता माननीय राहुल जी का कहना है, हमारे महागठबंधन का कहना है कि हम जो हैं सो एक बार देश को याद होगा कि 70,000 करोड़ रुपया मैंने किसानों का माफ़ किया है, जबकि 10 साल की सरकार में किसान आंदोलनरत हैं, उनका कर्ज माफ़ नहीं हो रहा है, लेकिन वैसे 20 उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ़ कर दिया गया और किसानों का नहीं किया गया। मेरी सरकार अगर देश में बनती है, हमारे महागठबंधन की सरकार बनती है, तो एक झटके में जो सो उनका जो सो कर्जा हम माफ़ कर देंगे। और ये 8,500 हो या गरीब परिवार के लिए 1 लाख रुपया हो, हमारी सरकार बनेगी तो हम जो है सो धकाधक उसके अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र कर देंगे पैसा। सर देख रहे हैं किसानों और गरीब और महिलाओं और अति पिछड़ा के लिए आवाज़ उठा, क्या ये सब साथ मिलकर मुंगेर में जो उनके प्रत्याशी है उनके साथ सहयोग करेंगे? देखिए सवाल ये है कि एक शब्द गरीब जो आपने कहा, तो हमारे नेता राहुल जी ने कहा कि गरीबी हर ओर है, चाहे वो किसी जात के किसी धर्म के लोग हों, गरीबी हर जगह मौजूद है। और जब देश की जनसंख्या बढ़ी है तो स्वाभाविक है कि जिनके पास 10 बीघा ज़मीन थी उनके हिस्से में, एक हिस्सेदार के हिस्से में 2 बीघा ज़मीन हो गई, तो 2 बीघा ज़मीन से तो गुजर बसर होगा नहीं जी। तो ये जितने गरीब लोग हैं इनके लिए एक अलग से नीति बनाई जाएगी, और नीति बना करके और इन गरीब परिवारों को हम ऊपर उठाने का काम करेंगे। जहाँ तक सवाल है, यह आज नहीं जब देश आज़ाद हुआ तब से कांग्रेस पार्टी की यह नीति रही है कि देश में जो विषमता है, आर्थिक शैक्षणिक स्तर पर जो विषमता है, सामाजिक स्तर पर जो विषमता है, इसको हमें दूर करना है, और इसे दूर करने में कोई कटुता समाज के भीतर हम पैदा नहीं होने देंगे। यह जो है सो मूल सिद्धांत कांग्रेस पार्टी का रहा है और यही हमारा मैनिफेस्टो है, और हमारे मैनिफेस्टो के साथ
देश के सभी महागठबंधन के 22 दल हमारे मैनिफेस्टो से सहमत हैं। आदरणीय तेजस्वी जी ने तो अभी कहा कि हम 1 लाख देंगे, हम किसानों की आमदनी के बारे में सोचेंगे, हम शिक्षा के बारे में सोचेंगे, हम चिकित्सा के बारे में सोचेंगे, हम रोजगार के बारे में सोचेंगे। सारी बातें सब एक साथ जो है सो मिल करके एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये गरीबी से जूझने का जो नारा है देश भर के भीतर, आप लोग बच्चे हैं, आप लोगों को याद होगा या नहीं होगा या सुना होगा आप लोगों ने, 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने कहा कि गरीबी हटाओ जी, और उसके तहत कई योजनाएं चलाई गई। IRDP की योजना चलाई गई, जो किसान गांव स्तर पर लोग थे उनके लिए भैंस गाय फलना ठिकाना मुहैया कराया जी, इंदिरा आवास की व्यवस्था उस समय हुई, कोई आज नहीं हुई है। ये एक नीति बनाई गई और इस नीति पर कार्यान्वयन आज भी लोग कर रहे हैं, इससे अलग कुछ नहीं बना रहे हैं। तो सबसे मूल जो समस्या है देश के भीतर वो गरीबी हटाने का की जो समस्या है, उसके लिए क्या योजना होगी। जो माननीय अभी वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के जिम्मे कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन हम लोग तो जनता के सामने अपनी योजना दे दिया है कि हम इसको कैसे हटाएंगे। सर ये तो दे दिए, लेकिन क्या मुंगेर की जनता अनीता कुमारी के साथ, यहाँ की बेटी के साथ है? भैया अभी आपने देखा नहीं, इतनी कड़ी धूप में लोग खड़े थे, बाहर में खड़े थे और वहाँ गाछ के नीचे खड़े थे, तो ये जनसैलाब ही तो बता रहा है कि इनके साथ हैं। सर हर जाति के बात करते हैं आप, आते भूमिहार, क्या आपके समाज के लोग इनके साथ हैं? जो भूमिहार समाज में जो गरीब होगा वो निश्चित रूप से साथ साथ है। बिल्कुल।